कि नवरात्रि के 9 दिन माँ को कैसे प्रसन्न करना है पंडित जी। जी बिल्कुल, पहले दिन माँ शैल पुत्री नवदुर्गा का पहला दिन का स्वरूप है। इनकी आराधना का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल ही है और माँ शैल पुत्री को सफेद रंग के पुष्प चढ़ाएं और वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, इसलिए माँ को सफेद रंग का कपड़ा और सफेद फूल अर्पित करें। माँ की विशेष कृपा पाने के लिए भक्तों को ओम शैल पुत्र्यै नमः इस एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करने से जीवन में अशुभताएं नष्ट हो जाएंगी। शैल पुत्री की आराधना कन्याओं को विशेष लाभ प्राप्त होता है। अब बात करते हैं नवदुर्गा के दूसरे रूप की, माँ ब्रह्मचारिणी की। इस दिन लाल रंग का उपयोग करना चाहिए, शुभ माना गया। लाल रंग साहस, पराक्रम और प्रेम का प्रतीक है। इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः इस मंत्र का जाप करें, माँ बहुत प्रसन्न होती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा जी को समर्पित है और माँ चंद्रघंटा की आराधना में नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। नारंगी रंग से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए ऐं श्रीं शक्त्यै नमः मंत्र का जाप करें। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होगी। इस दिन पीला रंग अति शुभ माना जा गया है। पीला रंग उमंग का प्रतीक है। माँ की असीम कृपा पाने के लिए ऐं ह्रीं देव्यै नमः इस मंत्र का जाप करें, माँ कूष्मांडा जी प्रसन्न होंगी। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की उपासना करें। पांचवें दिन हरे रंग का प्रयोग करने से ऊर्जावान रहने में मदद मिलेगी। हरा रंग कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः मंत्र का जाप करें और बेहद लाभकारी माना गया है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। नवरात्रि में यानी सलेटी रंग का बुराइयों को नष्ट करने वाला माना गया है। माँ को प्रसन्न करने के लिए क्लीं श्रीं त्रिलोचनायै नमः इस मंत्र का जप करें। नवरात्रि का सातवां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। इस दिन माँ काली की पूजा में नीले रंग का उपयोग शुभ माना गया है। नीला रंग निडरता को दर्शाता है। क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः इस मंत्र का जाप करें, माँ कालिका जी आप पर अमृतमयी दृष्टि से आपके ऊपर कृपा करें। नवरात्रि के आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। माँ महागौरी को जामुनी रंग प्रिय है। इस दिन कन्या पूजन का विधान है। श्री श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायै नमः इस मंत्र का जाप करें, माँ प्रसन्न होकर अभिष्ट सिद्धि देती है। नवरात्रि के आखिरी दिन माँ सिद्धदात्री की उपासना की जाती है। माँ सिद्धदात्री देवी को ज्ञान प्रदान करने वाली देवी माना गया है। इस दिन गुलाबी रंग का प्रयोग करें। गुलाबी रंग प्रेम और नारीत्व का मानक है ऐसा माना गया है। देवी की कृपा पाने के लिए ह्रीं क्लीं ऐं सिद्ध्यै नमः इस मंत्र का जप करें तो देवी माँ की सिद्धदात्री की कृपा प्राप्त होगी। तो नवरात्रि के 9 दिन भक्तों के लिए बेहद ही खास होते हैं पंडित जी, और आपने बताया मुहूर्त और कई तरह की आपने विधि विधान बताई, तो आप ये भी जान लेते